लखनऊ में आज मेट्रो का ट्रायल रन होगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव की मौजूदगी में ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाएंगे। मुख्य कार्यक्रम ट्रांसपोर्ट नगर स्थित डिपो पर होगा, जबकि ट्रायल रन चारबाग तक 5 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर होगा। इस दौरान मेट्रो के 4 कोच का ट्रायल किया जाएगा। लखनऊ मेट्रो का डिजाइन बुलेट ट्रेन जैसा है। ट्रेन बिना ड्राइवर के ही चलेगी। लखनऊ मेट्रो में डिस्क ब्रेक होगा, जिससे हाई एक्सेलरेशन और इमरजेंसी ब्रेकिंग में फायदा होगा। लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मुताबिक सभी ट्रायल के बाद मेट्रो का संचालन 26 मार्च 2017 से शुरू होने की संभावना है। घने कोहरे की वजह से प्रदेश में कई जगह सड़क हादसे हुए। मऊ जिले में रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर में 7 लोग घायल हो गए। कोहरे की वजह से इटावा में NH2 पर कई ट्रक और बस आपस में टकरा गए, जिसमें एक बस कंडक्टर की मौत हो गई। और यह जिले में नेशनल हाईवे 19 पर 25 से अधिक बड़े और छोटे वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन VPPAT यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। इस मशीन के जरिए वोट डालने के बाद वोटर को पता चल जाएगा कि उसने किसको वोट दिया है। यूपी के कौशाम्बी जिले में बैंक से कैश खत्म होने से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा करते हुए मैनेजर व दूसरे कर्मचारियों को बंधक बना लिया और बैंक को जबरन बंद कराकर बाहर से ताला लगा दिया। पुलिस ने कई घंटों की मशक्कत के बाद बंधक बनाए गए मैनेजर व कर्मचारियों को छुड़ाया। शामली जनपद के चढ़ाव गांव में प्राथमिक स्कूल में खाना बनाते समय हुए गैस लीक के चलते आग लग गई। दमकल की गाड़ियां न आने पर गांव के लोगों ने ही मिलकर आग बुझाई, लेकिन आग की वजह से स्कूल में रखा काफी सामान जल गया। गनीमत रही कि सभी बच्चों और अध्यापकों को बाहर निकाल लिया गया। गांव वालों की शिकायत है कि जानकारी देने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। जम्मू के नगरोटा में शहीद हवलदार सुखराज सिंह का आज पंजाब के गुरदासपुर में उनके पैतृक गांव माननगर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में मंगलवार सुबह सेना की यूनिट पर हुए आतंकी हमले में 2 अफसरों समेत 7 सैनिक शहीद हो गए थे। क्रिकेटर युवराज सिंह और बॉलीवुड अभिनेत्री हेजल की शादी के बंधन में बंध गए। चंडीगढ़ के पास फतेहगढ़ साहिब के गुरुद्वारे में आनंद कारज की रस्म हुई। युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह इस मौके पर मौजूद नहीं थे। 2 दिसंबर को गोवा में युवराज और हेजल हिंदू रीति रिवाज से भी शादी करेंगे। 5 दिसंबर को दिल्ली में रिसेप्शन रखा गया है। इसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को भी न्योता दिया गया है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की 350 साल प्रकाश उत्सव को समर्पित जागरूकता यात्रा अमृतसर पहुंची। SGPC की ओर से गेटवे ऑफ अमृतसर पर यात्रा का स्वागत किया गया। यात्रा की शुरुआत पटना साहिब से की गई थी। हरियाणा के गठन के 50 साल पूरे होने का जश्न जारी है। इस कड़ी में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पर सरकार कई ऑनलाइन आधारित योजनाओं की शुरुआत करेगी। 1 जनवरी को साहित्य सम्मेलन होगा। 11 जनवरी को हरियाणा प्रवासी दिवस मनाया जाएगा। 12 से 17 जनवरी को यूथ फेस्टिवल होंगे और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर हर जिले में एक दिव्यांग बेटी को ध्वजारोहण का मौका दिया जाएगा।